आपके एक अलग से एक नया कॉन्सेप्ट है जमीन की अगर बात करी जाए, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस पर? जमीन देख सकते हैं, मैं तो इतना शो में दिखा चुका हूँ, इसका एक नया शो का जो फॉर्मेट है 5 गाना है, ऐसे कैसे डिफरेंट स्टाइल में गाना है, एक डोपिंग वाली फोक और 4 गाना वेरी डिफरेंट। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जब मुझसे इन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट आप करोगे तो क्यों नहीं, क्योंकि 5 गाने हैं जिसमें हमारे खुद के गाए हुए 3 हैं 4 हैं जिसमें फोक है, तो हमने नॉर्थ का फोक गाया, जैसे मन्ना दा हमारे गाए थे ना, आरा हिले छपरा हिले, उस टाइप का एक गाना है, वुड वेट गाया हूँ मैं। और एक हमारे बंगाल के क्या नाम है उनका, उनके साथ मेल जोड़ गाया हूँ, रुक जाओ दिल दीवाना, और राधा कैसे ना जले, डुएट गाने हैं, अंतरा है मेरे साथ, बहुत अच्छा गाई। और पहला नशा पहला खुमार भी हमने डुएट गाया अंतरा के साथ। तो टोटल 5 गाने हैं और 5 गाने मतलब एक्टिंग के साथ है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, मतलब टेलीविज़न के ऊपर गाने के साथ एक्ट करना, जो सिंगर या जो म्यूज़िक डायरेक्टर या जो भी हैं वो अगर रूबरू आपके सामने स्टेज पे गाए तो आप लोगों को और मज़ा आएगा उसका। एंड अरमान, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके गाने नहीं गाने वाले हैं आप, ये मेरे स्पेसिफिक एपिसोड में मैंने ये मतलब सोचा कि मेरे गाने तो आप लोग सुनते हो ही है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे जेम्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं सोचा कि एक वर्जन उस सब गानों का मैं करूं, तो हमने काफ़ी अलग अलग किस्म के गाने चूज किए। एक तो चंबा कितनी दूर एक फोक गाना है, फिर उसके बाद हमने एक नॉन फिल्म गाना उस टाइम का बहुत बड़ा अदनान सामी जी और आशा मोस्तेका एक गाना कभी तो नजर में वो क्या बात है उसका वर्जन, फिर भीगी उसका भी एक हमने वर्जन। तो बहुत सारे गाने हैं, 5 गाने टोटली हमारे एपिसोड में, एंड सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। और जब जो हमारे फैंस भी होते, जब वो हमें देखते हैं परफॉर्म करते हुए, वो हमारे गाने तो सुनते हैं, लेकिन ये सब जो गाने जो चाहते हैं कि हम हमारे वॉइस में वो सुन पाए, उसका मौका उनको मिलता है जैमिन जैसे शो के द्वारा। कहना कि प्रेशर होता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, उनके गानों को गाना, कहीं ना कहीं कितना प्रेशर होता है एज अ सिंगर कितना हो जाता है? एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर इफ यू हैव टू लिव अप टू दैट सॉन्ग ना, तो प्रेशर रहेगा। I don't think you should live up to that song, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं पाएगा। वो जो गाना है जिस तरीके का है, that is perfect the way it is। आप अपना एक कुछ expression डालो, that is something new and उसमें you can never go wrong because that's you। अगर आप ऐसा करोगे कि आपको original जैसे जो singer है वैसे ही गाना है, जैसा गाना है वैसे ही feel देना है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो original गाना है, आप उसको change नहीं कर सकते, उसमें कुछ better भी नहीं कर सकते, आप खुद अपना एक element डाल सकते हो जो हम लोगों ने किया है। So उसमें pressure रहता ही नहीं है जब आप अपना खुद का कुछ करते हो। एंड ऑल्सो यू नो गाने के जो सिलेक्शंस है वो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोगों से ये जो सिलेक्शंस गाने के किए हैं वो आप लोगों के साइड से था या जैमिन ने खुद सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए? दोनों बातें थी। जैमिन ने हमें कहा कि ये गाने आप के हैं तो आप गाना चाहेंगे, तो मैंने सोचा कि ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे गाने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी किया, और कुछ गाने उनके तरफ से भी हैं, जैसे मैंने पंचम दा के म्यूज़िक में गाना गुलजार साहब ने लिखा, बड़ा पॉपुलर गाना है। मैं जब व्हेन आई वाज इन स्ट्रगल ना 1983, तो उस वक्त वो गाना और वो फिल्म बड़ी मतलब सुपर हिट हुई, आप जानते हैं फिल्म मासूम, तो उसके एक गाने थे, कई गाने सुपर हिट हैं, लेकिन एक गाना मैंने कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान होंगे, तो मैं घोषाल जी ने गाए हैं, अनुप घोषाल, तो मुझसे कहा कि आप गाओगे, मैं बोला क्यों नहीं गाऊंगा, अच्छा गाया है और सुपरहिट गाने हैं और मैं जरूर ट्राई करूंगा, मैंने ट्राई किया है। हमारे एपिसोड में there was no question क्योंकि Bappi Da, the original composer and the creator of all the song was in the episode, तो उसमें कोई selection process का I'm sure doubt नहीं था and I think for me at least it was just about being able to sing and collaborate with the original artist. And Bappi Da, you know, जैसे कि सर ने already कहा कि 50 years आपने complete कर लिए हैं, तरह तरह के songs देखे हैं आपने अलग अलग और आपकी तरफ से भी हमने बहुत सारे songs देखे हैं। 640 films. And only India, Hollywood. हाँ, very true. So sir, ये journey तो बहुत ही inspiring रही है, लेकिन ना साथ ही साथ आज के जो singers हैं, आज के जो गाने हैं, उनसे बहुत सारे 90s, 80s के जो singers हैं, composers हैं, उनको थोड़ी सी शिकायत सी रहती है गानों से। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं क्या किया मैं नहीं बोलता, मैं क्या कर रहा हूँ आप मेरा घटना हो गया दोस्तों गोल्डीज देखेंगे वो नहीं है। आज का गाने का साथ रहेंगे सब अच्छा, एवरीबॉडी इज वेरी टैलेंटेड, मैं सबको इंकरेज करता हूँ। I think Bappi Da is one of the most forward-thinking musicians of our industry. जब मैं कभी भी गाना गाया था नॉर्मल, तूने मारी एंट्रीयारे दिल में बजी घंटियारे टंग टंग, मैंने गया था दूसरा गाना गाने के लिए अस्सर मिश्क, तो वो भी गाना गाया। ये गाने में दो सिंगर और थे विशाल जी के, हमको पूछा आप गाएंगे कैसा, नहीं बिल्कुल नहीं, बंगाली भी भाषा में करते हैं, तुम्हारा मोटा तो आज का मैं बहुत अच्छे टाइम है, ऑल द टैलेंटेड म्यूजिशियन सब अच्छे। अगर आपको काम करना है यू एंजॉय इट, मैं कभी डिजाइन नहीं करता, नहीं उनसे निकालना आना चाहिए। हाँ, अभी आप बोलेंगे मैं एक ही आदमी बैठा हूँ अभी इंडस्ट्री में, सर ने जो गोल्डन एरा, लता मंगेशकर जी, माँ सरस्वती, शी एस जैन, हंड्रेड्स का ऊपर गाना गाया, आशा जी सबसे ज़्यादा गाना गाया जो बुक में आए, आर डी वन उनका 120 उनका या 340 गाना, लता आशा किशोर मामा तो मामा थे मेरा, वो बात तो छोड़ दीजिए, किशोर कुमार जी, रफी साहब, इतना गाना है। अभी आप सबके मामा बने हुए हैं। क्या जी बोलो मन्ना देवी साहब, क्या है सबका साथ काम करना थोड़ा हम मिस करते हैं, वो गोल्डन एरा को मिस करते हैं। दादा का मैंने गाना गाया था, भले आप रखो नहीं रखो, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है। कई फिल्मों में इन्होंने मुझे गवाए, 2 लाइन 4 लाइन जो भी है अब गाना प्यार कर रहा था वो भी गाया था। फिर एक गाना पिक्चर रिलीज नहीं हुई लेकिन गाना बड़ा था, ओ बिंदिया तुम हमसे कह दो प्यार है, तुम हमसे कह दो प्यार है, तो ओरिजिनल सबको सामने बोल रहा हूँ। Okay, so you know, as this collaboration is all about digital space और Bollywood singers दोनों का collaboration है, आप लोग से जानना चाहिए ना अभी जो digital space में बहुत सारे ऐसे singers हैं जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, किसी के साथ में collaboration करने की ख्वाहिश आप लोगों की? मतलब हम लोग में से I would love to collaborate with Nikita and Abhay. I think they are one of my favorite musicians अभी industry में। अभय का तो मैं एक जो पहले रफ़ी साहब के कवर्स करते थे यूट्यूब पे, आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ ऑल दोज कवर्स, एंड जब उनका गाना आया मेरे नाम तो फ्रॉम ज़ीरो, आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने उनके गाने सुने थे आई वाज फीलिंग कि यू नो हिज वॉइस शुड कम इनटू बॉलीवुड, एंड आई वाज हियरिंग दोज कवर्स आई वाज लाइक ही इज अ बॉलीवुड काइंड ऑफ अ वॉइस, ही नीड्स टू कम ऑन दोज सॉन्ग, एंड फाइनली दैट सॉन्ग कम्स। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ अस, ऑल द यंग पीपल टुडे, एंड डिजिटल टाइम में ऐसा एक बहुत एक्साइटिंग पीरियड है अभी हमारे इंडस्ट्री में, ज़रा सो मेनी एवेन्यूज़, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो आई है, तो कोलैबोरेशन करना आज के टाइम में और आसान हो चुका है क्या, एंड आई थिंक कि जब हम कुछ कोलैबोरेट करेंगे तो ही यंग, हमसे जो यंगर जनरेशन उनको भी ऐसा लगेगा कि दे आर डूइंग इट वी शुड आल्सो डू इट, तो एक पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड आई थिंक विद शोज लाइक दिस जैसे जैमिन हो रहा है, लोगों चाहेंगे कि हमें भी कोलैबोरेट करना चाहिए बताइए। बिल्कुल I totally agree with him and thanks for the compliment brother. And I have also been a die-hard fan ever since he started singing and all his singles on YouTube. Been a big fan. And of course collaboration जितने भी आर्टिस्ट के साथ होते हैं हर किसी आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। So I think it's a great thing collaborating with the old ones and the new ones. So you get to learn so much. I would love to collaborate with Arman and Nikita. Of course we have already done a lot of collabs. We come from the same academy. So काफी videos हैं already. Okay, इसी के साथ में what was your reaction जब आपको मालूम पड़ा कि Jammin के through मतलब बप्पी दा के साथ में collab करने का आपको मौका मिल रहा है and उदित जी के साथ में तो आपका क्या reaction? In fact मैं jury member रह चुका हूँ सारेगामा में तभी मुलाकात मेरी दोनों से हुई थी और उस time पे बहुत अच्छा interaction रहा था और आज भी उनसे मुलाकात हो रही तो I feel blessed कि इनसे इनका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे and they have always been very supportive so means a lot sir. सर जब भी शो ये आगे बढ़ेगा तो क्या वो नए चेहरे को देखने को मौका मिलेगा हम कि आप और कितने लोग जुड़ेंगे आपके साथ मिलेगा नए चेहरे को देखने के लिए भी मौका मिलेगा और जो पुराने हैं उनको भी आप देखेंगे तो ये तो एक कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत तैयार हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि वही जामिन है सर निर्भया केस में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है इस पर आपकी क्या राय है आप इसको किस तरीके से देखते हैं उदित सर से आजकल ये शो में मत बोलिए सर शो नहीं सर हम आपको जमीन ही आ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड भी जुड़ रहा है सर जो कि हालात है जो भारत की जो स्थिति है इस समय बॉलीवुड भी जुड़ रहा है क्योंकि वो भी हमारे कला से ही जुड़ते हुए आए तो आप भी कला से जुड़े हुए तो इस पे आपकी क्या राय है सर जो देश की स्थिति चल रही है सर निर्भया केस इज समथिंग उसके वर्डिक्ट के लिए हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे एंड कल फाइनली फांसी की सजा जो दोषी है उन लोगों को सुना दी गई है इस पर क्या राय है आपकी आई थिंक वी जस्ट गॉट इट आई थिंक वी कम एक्चुअली हम लोग जिस स्टेज पे यहाँ पे आए आई थिंक वी टॉक अबाउट म्यूजिक एंड चैनल तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं आई थिंक पर्सनल ओपिनियंस ऐसे प्लेटफॉर्म पे वी शुड अवॉइड दैट इन एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द शो राइट वी हियर टू सेलिब्रेट Jammin इन सीजन लेट्स फोकस ऑन इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट द शो और अबाउट द कोलैबोरेशन तो सब में एक ही बात है जिंदगी मेरा गाना है सीधा संगीत मेरा मजहब संगीत मेरा राग संगीत जिंदगी Thank you so much. Let's conclude on that note then. Yeah, thank you. Thank you.